अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अरसलान आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में जो है मैं जॉब डिस्कस करूँगा। लाहौर में प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं, लाइक बिफोर कराची की पोस्ट जो मैंने पोस्ट की है, जॉब्स अवेलेबल थी वीडियोस में, वो मैंने आपको बताई थी विद द लोगोज़ और कंपनी के जो है आइडेंटिफिकेशन के साथ। तो इसी तरह जो है इस कंपनी में भी पोजीशंस अवेलेबल हैं, जैसे कि शब्बीर टाइल्स में है, स्टाइल टेक्सटाइल में है, कोर्ट्स में, निशात मिल्स में और आरडी में कुछ वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं। ये टोटल जो बेस्ड होंगी लाहौर के लिए होंगी, डिफरेंट एरियाज़ ऑफ लाहौर के लिए पोजीशन अवेलेबल है। इसमें मल्टीपल पोजीशंस भी अवेलेबल हैं, लिहाजा आप अप्लाई कर पाएंगे। और अगर इसकी एजुकेशन की बात की जाए तो इंटर से लेकर ग्रेजुएशन तक भी पोजीशंस अवेलेबल है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले जो है आरडी की बात करते हैं। आरडी रुबा डिजिटल प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जो है कंपनीज़ में अनाउंसमेंट की गई है। सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोडक्ट अप्लाइंस ऑफिसर उनको दरकार है। यहाँ पे अगर आप ऐड पे गौर करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है जॉब लोकेशन लाहौर, और उसके साथ जो है कुछ रिक्वायरमेंट रखी गई है और यहाँ पे मेजर टास्क भी मेंशन किए गए हैं। तो बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री होनी चाहिए और 3 से 5 साल का तजुर्बा होगा, तो यू विल बी गिवन मोर प्रोसेस, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। तो अप्लाई करने के लिए सिंपल मेथड है, यू हैव टू फॉरवर्ड योर CV। तो 18 अक्टूबर तक तो है आप अप्लाई कर पाएंगे। सब्जेक्ट लाइन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोडक्ट अप्लायंस जॉब लोकेशन लाहौर की, जैसे कि मैंने मेंशन कर दिया। बाकी तफसीलात यहाँ पे आप देख की सकते हैं। तो ये ईमेल्स जो हैं ये एज़ यूजुअल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है, वहाँ से आप कॉपी करने के बाद अपनी CV फॉरवर्ड भी कर सकते हैं थ्रू मोबाइल नंबर। सेकंड पे जो है ये कंपनी में पोजीशन अवेलेबल है, ये है निशात मिल्स लिमिटेड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। असिस्टेंट मैनेजर एडमिन उनको दरकार है। अगर इसकी एजुकेशन की बात की जाए तो BBA MBA और अदर रेलेवेंट डिग्रीज होगी तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। 5 से 6 साल का रेलेवेंट फील्ड में तजर्बा होना लाजिम है। जॉब लोकेशन लाहौर की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड कर दिया है, ये भी ईमेल के थ्रू। आपको जो है ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, वहाँ पे जाइएगा, उसको क्लिक कीजिएगा। वहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यू विल बी डायरेक्टेड टू द जॉब पोर्टल, तो वहाँ पे जाके आप अप्लाई भी कर पाएंगे और उसकी लास्ट डेट भी गिवन नहीं दी गई है। नंबर 3 पे जो है कोर्ट्स पाकिस्तान प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जो वैकेंसीज अनाउंस की है, परचेज ऑफिसर की अवेलेबल है। परचेज ऑफिसर के लिए बैचलर मास्टर डिग्री लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन में होनी चाहिए, तो आपको मोर प्रोफेसर दी जाएंगी। 2 से 3 साल का तजर्बा रखने वालों को जो है तरजीह दी जाएगी। और जॉब लोकेशन लाहौर की 15 अक्टूबर तक यानी आज की लास्ट डेट है, रात 12 बजे तक आप अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे ईमेल लिखी गई है jobspakistan@courts.com पे आप अपनी CV फॉरवर्ड कर सकते हैं बाय मेंशनिंग सब्जेक्ट लाइन में परचेज ऑफिसर। नंबर 4 पे जो है स्टाइल टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड में वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं। प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल इंजीनियर मल्टीपल पोजीशंस अवेलेबल हैं। ये साइट जो है मैंने विजिट की है, उसमें 10 से 15 पोजीशंस अवेलेबल हैं। डिफरेंट जॉब रिक्वायरमेंट रखी गई है, यहाँ पे स्पेसिफिकली मैंने एक नोट की है। बहरहाल जब आप विजिट करेंगे तो वहाँ पे आपको मल्टीपल पोजीशंस रखी गई होंगी। आप वहाँ पे किसी भी पोस्ट के लिए अगर एलिजिबल हैं तो यू कैन अप्लाई फॉर द पोजीशन। नंबर 5 पे जो है ये शब्बीर टाइल्स एंड सेरेमिक प्राइवेट लिमिटेड में जो है अनाउंसमेंट की गई है। मल्टीपल स्टाफ दरकार है, जिसमें शामिल है इंडोर सेल्स एजुकेटिव लाहौर के लिए, उसके बाद जो है टेरिटरी सेल्स एजुकेटिव सक्कर के लिए, प्रोडक्ट कंसल्टेंट फैसलाबाद के लिए उनको दरकार है। तो जो क्वालिफिकेशन है वो वेरी करती है, डिपेंड्स अपॉन द जॉब टाइटल एंड रिक्वायरमेंट। तो मल्टीपल पोजीशंस, मिनिमम ग्रेजुएशन होनी चाहिए सब में, और एवरेज एक्सपीरियंस जो है 3 से 5 साल का तजर्बा रखने वालों को जो है और तरजीह दी जाएगी। तो सिंपली है अप्लाई करने के लिए सेंड योर रिज्यूमी एट द, यहाँ पे लिखा हुआ है tina.kumari@shabirtile.com.pk पे अपनी CV फॉरवर्ड कर सकते हैं, ये भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो बस ये थी आज की टॉप 5 ऑर्गेनाइजेशन की जॉब मैंने आपके साथ शेयर कर दी है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको ज़रूर लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों के साथ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।